हाँ मैं उस पहुंचने वाला हूँ, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है यार। साहब अरे तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे टच करने की? अरे अगर अपना सामान बेचना है तो आराम से बैठ के बेचो ना। साहब क्या साहब, हम ब्रांड की चीजें खरीदने वाले लोग हैं, मॉल से जाके शॉपिंग करते हैं। और अगर तुम्हारे ये रोड साइड सामान ले लिया तो क्या कहेंगे लोग कि हम रोड से सामान खरीदते हैं? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी सोसाइटी में? और आज के बाद ना मुझे रोकने की या मेरे सामने आने की ना हिम्मत मत करना, बेवकूफ कहीं का। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊं यार, मैं सुबह ना एक एनवलप लेके गया था, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट और कैश था, पता नहीं कहाँ गिर गया, मैं रख के भूल गया। मैंने अपना बैग चेक करा, इसमें भी नहीं है। मैं ऑफिस गया, सारे ड्रॉअर चेक करे, यहाँ तक कि मैंने अपनी गाड़ी भी चेक करी, पार्किंग भी चेक करी, लेकिन मुझे कहीं मिल नहीं रहा। और उसमें जो डॉक्यूमेंट है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बस इतनी सी प्रॉब्लम तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर देती हूँ। चुटकियों में? वो कैसे? यही है क्या तुम्हारा एनवेलप? ये तुम्हें कहाँ से मिला? मुझे नहीं मिला है, जिसे मिला था वो घर देकर गया है। कौन? शायद जो हमारी सोसाइटी के बाहर सॉक्स बेचता है ना, वही। अच्छा, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया? क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। अरे साहब आप यहाँ, हमने तो लिफाफा आपके घर भिजवा दिया था। हाँ वो मुझे मिल गया था, उसके लिए थैंक यू। और आई एम सॉरी, मैंने सुबह तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मुझे नहीं पता था तुम मेरे डॉक्यूमेंट देने के लिए मुझे रोक रहे हो, मुझे लगा था कि तुम मुझे अपने सॉक्स बेचने के लिए रोक रहे हो। अरे साहब इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हम गरीबों को तो कोई भी सुना के चला जाता है, बस आदत हो गई है। गलती तुम्हारी नहीं, हम जैसे लोगों की है जो बिना सोचे समझे ही लोगों को जज कर लेते हैं। अगर कोई अमीर आदमी हमसे बात करता है तो हम उसे बड़ी तमीज़ से बात करते हैं, और अगर कोई हमसे गरीब बात करता है तो हम उसके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। हम लोगों की सोच ही ख़राब है, इंसान को ना उसकी हैसियत से जज कर लेते हैं। हमें ना सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। असल में यही तो इंसानियत है ना साहब। हाँ, और ये बात ना मेरी याद समझ में आई, मैंने सुबह तुम्हारे साथ बदतमीजी करी और उसके बाद भी तुम मेरे डॉक्यूमेंट मेरे घर देने आए, उसके लिए दिल से थैंक यू। साहब जब आपका लिफाफा गिरा तो हमने खोल के देखा तो उसमें पैसे थे और आपके डॉक्यूमेंट भी, तो देखा तो आपके घर का एड्रेस था, तो मैंने सोचा आपके लिए लिफाफा काफ़ी ज़रूरी होगा तो आपके घर पे पहुंचा दिया। अच्छा, उसके लिए थैंक यू। अरे हाँ, ये कुछ कपड़े हैं और कुछ मिठाई और कुछ गिफ्ट्स मेरी तरफ से हैं, मेरी तरफ से तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी
कोई ज़रूरत नहीं है। ले लो, अगर नहीं लेना तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है साहब, दिल से दे रहा हूँ, ले लो। और एक काम करो, ये सारे सॉक्स ना तुम मुझे दे दो। सारे? हाँ सारे। एक मिनट साहब। साहब ये लो। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस साहब। अरे इतना बड़ा त्योहार है, गले नहीं मिलोगे? मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस साहब।